देश भर में मॉनसून की मार से त्राहिमाम, आज भी 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 5 दिन बारिश की चेतावनी दी। बेहिसाब बारिश से बेहाल हुई राजधानी दिल्ली, जगह जगह वाटर लॉगिंग से लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई, हरियाणा के यमुना में 1,00,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ने के बाद दिल्ली सरकार का अलर्ट। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 41 साल का रिकॉर्ड, 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे ज्यादा 153 mm बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के चलते दिल्ली में आज बंद रहेंगे सभी स्कूल, सीएम केजरीवाल ने दिया आदेश। दिल्ली में भारी बारिश को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी लिया संज्ञान, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना से की बात। दिल्ली में बारिश के दौरान रविवार को 2 लोगों की मौत, सब्जी मंडी इलाके में दीवार गिरने से महिला की मौत, जबकि रोहिणी में ऑटो पर पेड़ गिरने से ड्राइवर की मौत। रविवार को बारिश के दौरान 6 जगहों पर गिरे पेड़, 4 जगह सड़क धंसी, अलग अलग घटनाओं में 5 लोग घायल। दिल्ली में हुई भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, किनारों पर लोगों को सतर्क रहने को कहा गया। दिल्ली के सीलमपुर में बारिश के कारण एक मकान का छज्जा गिर गया, 2 लोग घायल हो गए, अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली के सुंदरनगर में भारी बारिश से गिरी दीवार, रोहिणी में सड़क का हिस्सा धंसा। दिल्ली में लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी, कई जगहों पर लगा लंबा जाम। दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव को लेकर आज प्रदेश बीजेपी का प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर सुबह 11 बजे धरना देंगे बीजेपी कार्यकर्ता। भारी बारिश की वजह से नोएडा प्रशासन का भी फैसला, आज सभी स्कूल रहेंगे बंद। भारी बारिश और कावड़ यात्रा की वजह से गाजियाबाद प्रशासन का आदेश, 10 से 15 जुलाई तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। गाजियाबाद के कावड़ शिविरों में भरा पानी, कावड़ियों को हो रही है परेशानी। गाजियाबाद के ट्रॉनिक सिटी इलाके में बारिश से बिगड़े हालात, दौलतनगर गांव में 1 दर्जन परिवार पानी में फंसे। ट्रॉनिक सिटी इलाके में लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा, 12 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। यूपी के कई इलाकों में आज हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गुरुग्राम में आज भी बारिश का अनुमान, सभी स्कूल रहेंगे बंद, निजी संस्थानों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की सलाह। गुरुग्राम में हुई भारी बारिश से पूरा शहर दरिया में तब्दील हुआ, वाटर लॉगिंग से लोगों को भारी परेशानी, कई जगहों पर फंसी गाड़ियां। फरीदाबाद में आज बंद रहेंगे सभी स्कूल, भारी बारिश के चलते प्रशासन का फैसला, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। पंजाब के कई इलाकों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, पंजाब सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना से मांगी मदद। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में आज और कल सभी स्कूल रहेंगे बंद, बारिश के अलर्ट को देखते हुए आदेश। पंजाब के मोहाली, रोपड़, फतेहगढ़ साहिब और नवांशहर में आज सभी आंगनवाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, भारी बारिश के अलर्ट की वजह से फैसला। पंजाब की डेरा बस्ती में भारी बारिश, एक निजी हाउसिंग कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात, कई घरों में घुसा पानी, एनडीआरएफ ने लोगों को रेस्क्यू किया, जरूरी सामान मुहैया कराया। पंजाब के रोपड़ में हुई तेज बारिश, कुछ जगहों पर हुआ जल जमाव। पंजाब में बाढ़ से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम अलर्ट, पंजाब पुलिस बोली स्थिति पर सीएम मान की नजर। हिमाचल प्रदेश में भी 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया। हिमाचल के शिमला, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू में अलर्ट, कई जगहों पर भारी बारिश का। मंडी के नगवैन गांव में ब्यास नदी में फंसे 6 लोगों को बचाया गया, देर रात एनडीआरएफ की टीम ने ऑपरेशन चलाया। हिमाचल में ब्यास नदी का पानी ओवरफ्लो, मंडी में पंचवक्त्र मंदिर जलमग्न, कुल्लू में 5 लोगों को रेस्क्यू। मंडी में तेज बारिश के चलते कई गाड़ियां सैलाब की चपेट में आई, जेसीबी भी सैलाब में डूबी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश और बाढ़ का कहर, पूरा का पूरा ब्रिज नदी में समाया। हिमाचल के कुल्लू में तेज बारिश की चपेट में आने के कारण कार बही, अचानक सड़क धंसने से हुआ हादसा। कसोल में दिखा भयावह मंजर, बाढ़ की चपेट में आने से कई गाड़ियां बही। कुल्लू के मणिकर्ण में पार्वती नदी में बाढ़ जैसे हालात, खौफ में आसपास के लोग। उत्तराखंड के चंबा में सड़क पर पहाड़ का मलबा गिरा, लैंडस्लाइड से गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित। बनीखेत के पास चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे हुआ ब्लॉक, सड़क में दरारें पड़ने से रुकी वाहनों की आवाजाही। भारी बारिश के कारण श्रीखंड महादेव यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित, कुल्लू में श्रद्धालुओं को रोका गया। शिमला के कलगा गांव में भारी बारिश की वजह से इमारत ढही, जान माल के नुकसान की खबर नहीं। हिमाचल के चंद्रताल लेक के पास 200 टूरिस्ट फंसे, प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शिमला कालका रूट पर सभी ट्रेनों का परिचालन स्थगित, लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से फैसला। शिमला में बारिश से उखड़े बिजली के पोल, पेड़ भी गिरे, मरम्मत में जुटा प्रशासन। खराब मौसम की वजह से सीएम सुक्खू की लोगों से अपील, किसी भी नदी के किनारे ना जाएं लोग। हिमाचल में बारिश से 776 सड़कें बंद हुई, लैंडस्लाइड से कई पेड़ गिरे, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब और हिमाचल के सीएम से भी की बात, बारिश से हुए नुकसान की जानकारी ली, हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तराखंड के 8 जिलों में अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी, राज्य में रविवार को अलग अलग हुए हादसों में 6 लोगों की मौत।
ऋषिकेश में मूसलाधार बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। त्रिवेणी घाट पर पानी खतरे के निशान तक पहुंचा। उधमपुर के लट्टी इलाके में टूटा ब्रिज, नदी का बहाव तेज होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीर, पहाड़ से मलबा टूटकर सड़कों पर गिरा। लगातार बारिश से झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, श्रीनगर में घरों में पानी घुसने से लोग परेशान। जम्मू कश्मीर के गंदोह में लैंडस्लाइड की चपेट में आई बस, दो लोगों की मौत, दो लोगों को बचाया गया। रामबन के पंथियाल में T5 टनल के पास बही सड़क, वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जा रही है। उधमपुर के डुडुक क्षेत्र में भारी बारिश के कारण एक पुल बहा, तीन क्षेत्रों को जोड़ता था ये पुल। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने जीरो ब्रिज का दौरा किया, बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के LG से की बात, अमरनाथ यात्रा का जायजा लिया। भारी बारिश से असम के धेमाजी में डिकारी नदी का जलस्तर बढ़ा, कई गाँव में बाढ़ जैसे हालात। पहलगाम से तीन दिन बाद फिर से अमरनाथ यात्रा हुई शुरू, खराब मौसम के चलते रोकी गई थी यात्रा। भारी बारिश से देश के उत्तरी हिस्से में 20 ट्रेनों के परिचालन बाधित, नॉर्दर्न रेलवे ने दी जानकारी। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश, आशापुरा बांध ओवरफ्लो होने से पानी शहर में दाखिल हुआ। अजमेर में हुई बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल, कई इलाकों में सड़कें जलमग्न। बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हुआ, पानी निकालते नजर आए लोग। जबलपुर में लमेटा घाट के पास फंसे चार लोगों का रेस्क्यू, नर्मदा नदी में फंसे थे सभी, रात भर चलाया गया बचाव अभियान। ड्रोन के जरिए फंसे लोगों तक लाइफ जैकेट पहुंचाया गया, SDRF की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। अलीगढ़ में जलभराव की वजह से बड़ा हादसा, एक घर का ग्राउंड फ्लोर गिरा, हादसे में दो लोगों की मौत। हादसे के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी, मौके पर पुलिस ने चलाया राहत बचाव काम। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में निर्माणधीन माल के पास सड़क और फुटपाथ धसा, लगातार हो रही बारिश से गड्ढे में भरा पानी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, एहतियातन सड़क को दोनों तरफ से बैरिकेड लगाकर बंद किया गया। मिट्टी धसने से बिजली के खंभे भी हुए तिरछे, खौफ में है इलाके के लोग। मेरठ में बीती रात अचानक बदला मौसम का मिजाज, हरिद्वार रुड़की हाईवे के सामने आया भीड़। मौसम में बदलाव से दिखी धुंध, सड़क यातायात पर भी पड़ा असर। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में आज 697 बूथों पर दोबारा हो रहा है मतदान, हिंसा के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। पुरुलिया, बीरभूम, जलपाईगुड़ी, नदिया और साउथ 24 परगना के कई बूथों में हो रहा है मतदान, अभी तक कहीं से हिंसा की खबर सामने नहीं आई। पश्चिम बंगाल की गवर्नर CB आनंद बोस आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। बंगाल में चुनाव के दिन 18 लोगों की हुई थी मौत। बंगाल के मुर्शिदाबाद में नाले में मिले तीन बैलेट बॉक्स, लोगों ने कहा डर का है माहौल, TMC के कार्यकर्ता धमकाते हैं। पंचायत चुनाव में धांधली के खिलाफ BJP का श्री कृष्णापुर में विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कोलकाता में राज्य चुनाव आयोग ऑफिस के बाहर BJP का प्रदर्शन, पंचायत चुनाव हिंसा के खिलाफ जताया विरोध। बंगाल चुनाव आयुक्त से मिली BJP नेता, कहा 10 से 12 हजार बूथों को किया गया कैप्चर, दोबारा चुनाव की मांग। मुर्शिदाबाद में मृतक कांग्रेसी कार्यकर्ता के परिवार से मिले अधीर रंजन चौधरी, TMC पर है हत्या करने का आरोप। अधीर रंजन ने कहा 3 से 4 बूथ पर कब्जा करने के लिए की गई हत्या, न्याय के लिए सड़क और कोर्ट तक जाएंगे। दक्षिण दिनाजपुर के हिंसा वाले इलाके में पहुंचे बंगाल BJP अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। बंगाल हिंसा पर स्मृति ईरानी का कांग्रेस से सवाल, क्या बंगाल में कहर मचाने वाली TMC के हाथ मिलाना मंसूर। BJP नेता राहुल सिन्हा का ममता बनर्जी पर आरोप, पंचायत चुनाव में हिंसा के पीछे ममता का हाथ। बंगाल में चुनावी हिंसा पर BFF का बयान, संवेदनशील पोलिंग बूथ की नहीं मिली लिस्ट, जहां जवान तैनात थे वहां हुई शांतिपूर्ण वोटिंग। ममता के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी बोले मरने वाले 18 लोगों में 11 TMC कार्यकर्ता, BJP और लेफ्ट हिंसा में शामिल। मुर्शिदाबाद के खारग्राम में पथराव, इलाके में पुलिस कर्मियों को किया गया तैनात, पुलिस की एक गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की गई, इलाके में पुलिस ने बढ़ाई मुस्तैदी। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार, आज से शुरू होने वाला सत्र 14 जुलाई तक चलेगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मुंबई दौरे पर रहेंगे, शरद पवार से कर सकते हैं मुलाकात। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज अमरावती जाएंगे, कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, शाम को नागपुर का कार्यक्रम। अजित पवार के CM बनने के सवाल पर बोले शिंदे गुट के शंभू राजे देसाई, 2024 तक शिंदे ही रहेंगे CM। संजय राउत का BJP पर हमला, कहा सबसे भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में कर रहे हैं शामिल, पार्टियों को तोड़ने के कर रहे हैं साजिश। RPI चीफ रामदास अठावले का बयान, कोई किसी की पार्टी को तोड़ नहीं सकता, BJP पर आरोप लगाना गलत। BJP अध्यक्ष JP नड्डा आज गुजरात के पंचमहल जाएंगे, 2024 चुनाव को लेकर BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, जनसभा को करेंगे संबोधन। हैदराबाद में JP नड्डा का चुनावी अभियान, तेलंगाना कर्नाटक समेत 7 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज गुजरात से राज्यसभा के लिए भरेंगे नामांकन, 3 सीटों पर होने जा रहे चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 13 जुलाई। मध्य प्रदेश के पूर्व CM दिग्विजय सिंह के खिलाफ गुना में नफरत फैलाने के आरोप में FIR दर्ज, RSS के दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलरकर को लेकर ट्वीट किया गया था।
लोकसभा चुनाव से पहले एसपी और आरएलजी में तनातनी। यूपी आरएलजी अध्यक्ष ने कहा एसपी से गठबंधन की वजह से कम सीटें मिली। बिहार में बीजेपी और एलजेपी की नई सियासत के संकेत। पटना में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान और बीजेपी नेता नित्यानंद राय की मुलाकात। तेजस्वी यादव पर चार्जशीट को लेकर नित्यानंद राय का बयान, कहा भ्रष्टाचारियों पर कानूनी कार्रवाई गलत नहीं। नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने की पार्टी की बैठक। पार्टी ने गठबंधन को लेकर फैसला लेने से किया चिराग को किया अधिकृत। दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने दायर की है याचिका। पंचकुला से आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन कैंपेन किया लॉन्च। सीएम केजरीवाल ने कहा हमने दिल्ली 24 घंटे मुफ्त बिजली देकर दिखाया है। सीएम केजरीवाल का बयान, कांग्रेस और भाजपा शासित किसी एक राज्य का नाम बताए जहां 2400 घंटे मिलती है बिजली। बिजली आंदोलन कैंपेन में बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, हमारे पास 52 दिन का है कोयला, बिजली की नहीं है कमी। यूसीसी पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, ड्राफ्ट सामने नहीं आने तक हमारी पार्टी कुछ नहीं बोलेगी। यूसीसी पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, जनता के मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी ने गुगली फेंकी है। इस हफ्ते होने वाले चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के जरिए भारत स्पेस में रचेगा कीर्तिमान। चंद्रमा पर स्पेस क्राफ्ट उतारने वाला चौथा देश बनेगा। फ्रांस में वायुसेना के जवानों का परेड रिहर्सल, 14 जुलाई को बेस्टिल डे परेड में होंगे शामिल। दिल्ली के बाद आज से ग्रेटर नोएडा में सचेगा बागेश्वर सरकार का दरबार। 16 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा का होगा पाठ। आज सावन की पहला सोमवार, काशी समेत देश भर के मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु कर रहे हैं जलाभिषेक। उज्जैन के महाकाल मंदिर में की गई विशेष पूजा, सुबह भस्म आरती में उमड़े श्रद्धालु। सावन के पहले सोमवार को दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में उमड़े भक्त, जल चढ़ाकर की पूजा अर्चना। गोरखपुर के झारखंडी शिव मंदिर में भी लोगों ने की पूजा, सावन के पहले सोमवार पर लिया भगवान का आशीर्वाद। हरिद्वार के दक्ष प्रजापति शिव मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, सुबह से ही कर रहे हैं पूजा अर्चना। पटना में भी पहली सोमवार को श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, शिवालयों में कर रहे हैं जलाभिषेक। काशी विश्वनाथ में रविवार से हो रही है श्रद्धालुओं की भीड़, सीएम योगी ने किए हैं दर्शन के पुख्ता इंतजाम, दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं। अयोध्या के आयुक्त ने राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा निर्माण कार्य सही गति से चल रहा है। जलगांव के सुप्रीम कॉलोनी इलाके में शिव मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद में पथराव, 5 लोग मामूली रूप से घायल। झड़प के बाद इलाके में बना तनाव का माहौल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। पुलिस ने थाने में शांति समिति की बैठक की, दोनों गुटों के लोगों को समझाया गया। सूरत एयरपोर्ट पर डीआरआई का एक्शन, 48 किलो गोल्ड पेस्ट किया बरामद। अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया बॉर्डर के गांव ककड़ में, सुबह खेतों से बरामद हुआ ड्रोन। हैदराबाद की सिकंदराबाद स्थित पालिका बाजार की एक दुकान में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। केरल के तिरुवनंतपुरम में 90 फीट गहरी खाई में गिरा शख्स, कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तुर्की ने यूक्रेन के 5 कमांडर्स को किया आजाद, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कमांडर्स को लेकर कीव लौटे। सेरेमनी के दौरान बोले ज़ेलेंस्की, देश के सैनिकों को घर लाने का सिलसिला जारी रहेगा। रूस ने कमांडर्स के वापस लौटने का किया विरोध, प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट को बताया उल्लंघन। रूस यूक्रेन युद्ध के 500 दिन पूरे होने पर आयोजित प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हुए शामिल, यूक्रेन की जीत की कामना की। सूडान में सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच संघर्ष जारी, ओमडुरमैन में एयर स्ट्राइक में 22 लोगों की मौत। एयर स्ट्राइक के कई लोग हुए शामिल, घायल हुए। रैपिड सपोर्ट फोर्स ने सेना पर लगाया रेजिडेंशियल क्षेत्र में हमले का आरोप। पाकिस्तान में यात्री वैन में विस्फोट से 8 लोगों की मौत, गैस सिलेंडर के लीक होने के कारण हुआ ब्लास्ट। चीन में बाढ़ और लैंडस्लाइड से बिगड़े हालात, सड़कें बनी दरिया, मकान ढहे। हुबेई प्रांत में मलबे में फंसे 5 लोगों को बचाया गया, 9 लोग अब भी लापता। इटली के कई शहरों में भीषण लू का कहर, बुजुर्ग बच्चों के लिए अलर्ट जारी। जर्मनी के कोलोन में एलजीबीटी कम्युनिटी ने निकाला प्राइड मार्च, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पहले T20 मैच में भारतीय वुमेन्स टीम ने बांग्लादेश को हराया, 7 विकेट से दर्ज किया सांची। कप्तान हरमनप्रीत ने जड़ी 50, स्मृति मंधाना ने बनाए 38 रन। बांग्लादेश ने 114 रन का दिया था टारगेट, भारतीय वुमेन्स टीम ने 17वें ओवर में दर्ज की जीत। वेस्ट इंडीज की डोमिनिका में टीम इंडिया का ग्रैंड वेलकम, विराट कोहली ने थम्स अप का इशारा कर कहा शुक्रिया। जिम में एक्सरसाइज करते हुए नजर आए विराट कोहली, सोशल मीडिया पर तस्वीरें की पोस्ट। विराट ने तस्वीरों पर कैप्शन लिखा, हर दिन एक लेग डे होना चाहिए, 8 साल से गिनती जारी। डोमिनिका में खेले जाने वाले पहले टेस्ट पर मंडराया बारिश का संकट, मुश्किल में फंस सकता है मैच। बारिश की वजह से टीम के प्रैक्टिस सेशन पर पड़ा असर, टीम इंडिया ने नहीं किया अभ्यास। बेंगलुरु में बिना नी कैप के पहली बार नजर आए ऋषभ पंत, धीरे धीरे हो रहे हैं रिकवर। ईशांत शर्मा आप कमेंट्री करते नजर आएंगे। भारत वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज में मिली जिम्मेदारी। वर्ल्ड कप 2023 क्वालिफायर फाइनल मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड को हराया, 128 रन से दी मात।
आईसीसी बोर्ड की सालाना बैठक आज, बीसीसीआई के राजस्व पर लगेगी मुहर। डर्बन में होगी आईसीसी की मीटिंग, ओडीआई क्रिकेट के भविष्य पर होगी चर्चा। एशियाई सीरीज की तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया 3 विकेट से, दर्ज की जीत। इंग्लैंड के लिए हैरी ब्रुक, मार्क वुड ने किया शानदार प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलिया अभी भी 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे। इंग्लैंड के लिए हैरी ब्रुक ने 75 रन की शानदार पारी खेली, जैक क्रॉली ने 44 रन बनाए, क्रिस वोक्स ने 32 रन बनाए। हैरी ब्रुक ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बैटर बने। जापान की खिलाड़ी को हरा कर कैनेडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु सेमीफाइनल में हारी। यूकी भांबरी और साकेत की जोड़ी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में हारी, बोपन्ना भी बाहर हुए। आईपीएल की तर्ज पर शतरंज लीग का हिस्सा होगा, 6 से 8 टीमें लेंगी हिस्सा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।